आईबीपी की जो मेरी जर्नी थी, एमबीए करने के बाद 2018 में मैंने एमबीए करी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मोहाली आठवीं में कॉल सेंटर में जॉब करता था। 12,000 रुपये की सैलरी पे मैं नौकरी करता था, नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, तो बहुत परेशानी वाला काम था। एमबीए फाइनेंस से मैंने एचपीटीयू हमीरपुर से एमबीए करी थी। उसके बाद मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के ज़रिए से पता चला कि आईबीपी का एक कोर्स चल रहा है बैंकिंग का, वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया मैंने मोहाली। कोविड का टाइम था उस टाइम, हितेश सर जी हमारी क्लासेस लेते थे, हालांकि हमारी क्लासेस ज़्यादातर उस टाइम ऑनलाइन ही हुई थी, हमने 10 या 15 दिन रेगुलर क्लासेस लगाई थी। उसके बाद 3 महीने के बाद मेरा एक्सिस बैंक में सिलेक्शन हुआ था एज अ BRO असिस्टेंट मैनेजर। फर्स्ट मेरी रेटिंग नहीं आई थी क्योंकि मैंने आफ्टर सेप्टेम्बर ज्वाइन किया था, परंतु मैं जहाँ तक बैंक के बारे में बताता हूँ आपको, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जितनी ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ कहीं भी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ। पहली रेटिंग मेरी 4 आई थी, दूसरी रेटिंग मेरी 4 आई थी, वो 2 साल के अंदर मैं DM ग्रेड मुझे मिल गया था। उसके बाद मैं अभी CSB बैंक में M ग्रेड पे अभी ऑपरेशन हेड। और एक बार मैं फिर से एंटायर IBP की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का आज आपके सामने ब्रांच ऑपरेशन हेड है, और आने वाले टाइम में मैं मैनेजर बनूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद ऑल ऑफ यू, थैंक यू।